2024 तो स्टार्ट हला तो आज आमे जानिबा जे को फाइनेंशियल मिस्टेक गुरा आमे अवॉइड करिबा तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी रे कोन होबो ना जत्ते आमे कोन करिबा सब मिस्टेक अवॉइड करिबा सेते हमर जर्नीटा आस्ते आस्ते सक्सेस होबार चांसटा बढ़ी चलिबो तो चलन तो जानिबा सबटु फर्स्ट मिस्टेक कोन ना ओवर स्पेंडिंग तो कोन होउची आमे सबबेले आमे निजो को एक्चुअली भाबीबा कथा ओ जानिबा कथा जे हमर जेतिक इनकम रहउची आमे जेमति ताठु कम पैसा आमे खर्च करिबा ताले ही हमर कोन होबो किछि पैसा सेव हेई परिबो तो आज काली कोन होउची एते सुविधा रे हम कोन होउची सब जको ईएमआई मिली जाउची क्रेडिट कार्ड रे जे आमे किछि भी जिंस आराम से नो कॉस्ट ईएमआई रे हमकु परचेस करिवार सुविधा मिली जाउची सेथरे कोन होउची आमे जानि परुनु जे केते बेले हमर जेतिक आमे इनकम करचू ताठु अधिक खर्च हेई चालुची तो तेणु से आम जब कौन करवा गोटे आम प्लां करवा जे नाई मोर एति टाँग इनकम तो मोर एति टाँचा खर्च करी तो बेले बेले कौन हम गोटे नुआ मोबाइल देखने इच्छा हे ये मोबाइलटा किणवापी तो से आमको देखा पड़ो से मोबाइलटा एक्चुअली मुझे अफोर्ड करी ना ना इजी ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई तो सांगे सांगे मसक 1500 to 1000 दे मोबाइलटा पलैस क्योंकि से कैलकुलेशन आमको दरकार जहाँ चाकरी करके 500,000 दरमा पाँच वर्ष को तार 500,000 इनकम कि देख ला बेलू 50,000 टाँग भी सेव कर पार्नि तमें कौन हम सेटा वेल्थ क्रिएशन रे हो पारन से आमको सब से जिनस फोकस कराया कथा और ये मिस्टेकटा को जमी आम अवॉइड करवा तो दुई नंबर रे आम कौन करवा लोन आमर बढ़े बढ़े जबानी केवल जिनस परचेस धर आम देखा जे बहुत घरे जिनस एमती थी जोटा यूज होता कि तापर जदि कौन हम से सब जिनस गुरा बढ़ी बढ़ी जीव जे नीड हो नु आम कौन होमें जिनस गुरा कि जाऊ भी कौन हम आम खाली बेकार रे लोन करुच्छूँ आम इंटरेस्ट भी दौचु तो सहीटा को जमी अवॉइड करेंगे तीन नंबर कौन रोज से इमरजेन्सी फंड जी रखे यहीटा एक्चुअली सबुठ इम्पोर्टाट जिनस समस्त आमको लाइफ रे कौन हम किटा इमरजेन्सी फंड रखा कथा और सहीटा भी आम एफडी आकार में इनभेस्ट करवा इमरजेन्सी फंडटा को जमा आम स्टॉक मार्केट रे इनभेस्ट करवानी कारण इमरजेन्सी काम ही है से इमरजेन्सी दरकार पड़ो से आम कौन कर इमरजेन्सी फंडटा गोटे सैड की रखि सैड करके असुविधा होगा बहुत किसी कुआ पैसा आभेलेबुल हो पारे आम तेब से इमरजेन्सी फंडटा को कौन करवा भांगा तो सहीटा को आम जमी बनवा और सहीटा को मिस्टेक करें इमरजेन्सी किसी पैसा रखी नए चार नंबर में कौन रोज से ही जिनस बहुत जिनस आम एम किणुचु जोटा अनयूज्ड रोचे सेमती कौन हो घर पड़ पड़ रो तार किसी यूज हो नम देखिए बहुत जन कौन करेंगे घर ट्रेडमिल कि मुझे गोटे कि रखी कि यूज करूनी खाली सेमती थुआई तापर लुगाफुगा सब सुखा हो जी जहाँ पाइला थोदेला एमती कौन हो गोटे बड़ दामी जिनसटा यूज होती जी पैसा लगे से पैसा जब मुझे अलग कौटी इनभेस्ट करज को डबल हो जाता क्योंकि देख ला बेलूमती ट्रेडमिलटा घर पड़ी कहीं भी यूज करूना पांच नंबरटा है कौन जे गोटे जो मैंने पूरा सफोलिक खाली कौन हो गए एडिक्शन हो सपिंग कर किसी बाहर गले मैंने ड्रेस हो ड्रेसटा को थे पिंधुवे कि कौन करेंगे नहींकि पलि आसुवे किसी देखुवे भल प्रिंटेड वाला कौन टी सर्ट आसी मगे दूसरे एमती कौन हो छोट छोट जिन जना पड़ी कि मसक जो हिसाब कर ये बाबद भी बहुत पैसा खर्च हो जाए से भी आम कंट्रोल रखा और सबुबले बजेट करदे जे ना मोर ड्रेस पत्र एत पैसा मुझे खर्च करी मोर लग्जरी एत पैसा खर्च करी से जानी तेल कौन हम फाइनेंशियल प्लानिंगटा और फाइनेंशियल फ्रीडमटा बहुत बढ़िया से आम प्लानिंग कर पारा तापर यहीटा तो अभिका सबुठ बढ़ी बढ़ी चलती कौन ये छः नंबरटा है गोटे ट्रेडिंग से आजिकल बहुत जन लस कर दौरान कौन पर रईट नलेज नौ ना ट्रेडिंग को जमी शिखिकी ट्रेड कराया कथा आ रिक्सटा बुझा कथा से बुझुना मन इच्छा कौन कर मोबाइल गोटे किसी भी आप इनस्टल करके सीधा ट्रेड स्टार्ट करदे अफिस् को जन आसते एमती 500,000 से लस करदे दुमासरे कौन रोज ना सी किसी भी जाणी ना केमती ट्रेडिंग कराए खाली जानते गोटे मोबाइल केमती बाय अर्डर प्लेस करी केमती सेल करी और सी भी गोटे कार्ड बाय सेल सर्विस नहीं बाबद भी बहुत पैसा देखते कि सब पैसा टोटाल लस तापर सी मो पाक आसते केमती कौन ट्रेडिंग शिखापी तो तेणु प्रथम जिनस बुझा कथा जो ट्रेडिंगटा आम जब भाव गोटे साइड इनकम हो कि जो भी इनकम होने शिखा पड़ो बिना शिखी कले कौन हम पैसाटा गोटे लस होती गोटे बड़ अमाउंट लस हो जाटा को रिकवर करने भी आहरी कष्ट से जब भी ट्रेडिंग करूँ देखी चाहिए करूँ आगे बुझुद ट्रेडिंग कौन ऑप्शन ट्रेडिंग तो आउरी रिक्स रही है कहीं हाई रिक्स हाई रिवार्ड तो सहीटा को भी बुझिकी ट्रेडिंग करवा कथा सात नंबर कौन जदि आम कौन करवा आम एक्सपेन्सेस को कैलकुलेट करानी एंट्री करके रखानी प्रत्येक पैसा आम जो खर्च करुच्छे लिखिक रखा कथा आजिकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया आप बाहर जो आप्रे कौन करें एंट्री करदे पारा जो मुझे गोटे सार्ट कि 500 टाँह है सहीटा गोटे कैटेगोरी रहा क्लथिंग कैटेगोरी बाहर खाईदेली
500 टका रेस्टोरेंट बिल ला सेटा भी गोटे फूड बाहर खाइली गोटे आउटिंग बेली की ताको गोटे कैटेगरी रखी परिबा किछि हेल्थ एक्सपेंसेस हला ताको भी गोटे हेल्थ पई हमें रखी दे पाइलु जिम गलु जिम रे जो पैसाटा खर्च हमें देलु ताको हमें फिटनेस कैटेगरी रखी दे परिया जे एतिक पैसा मोर हेल्थ आ फिटनेस पई खर्च हला ताले कोन हो लास्ट को हमें जानि परिबा जे वर्ष जाकर म पैसा एक्चुअली जाउची कोउठी तर देखु दिबे जे बहुत टाइम रे कोन होउची बाहर खाइबा रे ही बहुत टंका खर्च हो जाए तर सहीटा केमती टिके अटकई देले कोन हो हमर जो एसआईपी टा होउची तार अमाउंट टिके बढ़े देबी तर मासक आम चार थर बाहर खाऊ एथर तीन थर बाहर खाइबा गोटे अमाउंट जो बचिव एसआईपी करदे तो कौन हम एमती छोट छोट जिनस ही कौन हम गोटे वेल्थ क्रिएशन रे बहुत बड़ा हेल्प कर। आठ नंबर कौन जे बजेटा को जमी दरकार आमको जमी बजेट क्रिएट कराया पड़ो बजेटा कौन थर देखिए आम देशर भी गोटे बजेट थाए प्रत्येक कंपनी भी गोटे बजेट थाए जिते गोटे बड़ कंस्ट्रक्शन हम से भी गोटे बजेट करा जाए जे कंस्ट्रक्शन ये पैसा खर्च हे तो आमको सेमती आम आनुआल बजेट मंथली बजेट ये सब जिन कथा जहां थर भाई ना मुझे गोटे बाहर गोटे थर फरेन ट्रिप जी तो के पैसा लगे के पैसा मुझे संचय करके रखिले से आचिव करी से गोल्टा तो से कौन हुए सब जिनस बजेट कराया कथा बजेट नक कौन हम एमती केत बाटे पैसा खर्च हो तार किसी हिसाब नापर कौन रहा सब बेले जो आम हेल्थ आउ लाइफ इंश्योरेंस को आम अवॉइड करवा नेग्लेक्ट करवा सब मन रखा कथा जे फास्ट किसी भी लग्जरी आइटम परचेस करवा किंबा स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करवा आगुरु फास्ट आम लाइफ इंश्योरेंस आउ हेल्थ इंश्योरेंस आम करदे कथा जे लाइफ इंश्योरेंस माने कौन टर्म इंश्योरेंस जोटा जी जनकर किसी कौन होघटन गोटे हो फुल पैसाटा मिल गोटे बड़ लमसम अमाउंट 50 लाख है गोटे कोटी है और हेल्थ इन्सुरांसटा जमी मिनिमम गोटे 5 लाख टकर हेल्थ इन्सुरांस कि 10 लाख टकर हेल्थ इन्सुरांस सरकार जहाँ भी हेल्थ इन्सुरांस दौरान जो मैं मिलूँ तो बहुत बढ़िया और जो मैं मिलूनी तो आमको निज हाथ पैसा देकिना कौन कराया पड़ो गोटे हेल्थ इन्सुरांस रखा पड़ो गोटे जहां थर 30 वर्ष पाखापाखी अच्छी हेल्थ इन्सुरांस पाखापाखी से 8000 टाँग पाखापाखी पड़ो गोटे 5 लाख 10 लाख टकर हेल्थ इन्सुरांस भी हो पार आजिकल देखते थे हस्पिटा एडमिशन मैंने 40-50 हजार टाँग खर्च सेपाई जदि आम 5 लाख 10 लाख हेल्थ इन्सुरांस रखानी किसी भी गोटे अघटन हो गला असुविधा हो गला कौन हम गोटे लाइफ टाइम जो संचय थी से गोटे इनसीडेंट पलैब से आमको जमी हेल्थ इन्सुरांस आ लाइफ इन्सुरांस स्टार्टिंग ही आमको करदे कथ आते यंग एज रे करा से कम प्रीमियम देवाक पड़ो तापर कौन जे आम धर भाबू ना पैसा को आम कौन कर डबल करियर अच्छी कि आसिक आमको कौन गोटे स्कीम दब आम से विषय में किसी जान ना भाविया जे ये जाऊँच पैसाटा लगेदेवी पैसाटा डबल हो ना भावे जो मोर तो आगे को ये जिनस एडमिशन करने 2 लाख टाँग लगे और से जो 2 लाख टाँग अच्छी आपको जब कौट गोटे लगे कि 10-20 हजार भी बाहरी जाता तापर मोर गोटे 10-20 हजार टाँग एक्सट्रा प्रॉफिट हो जाता से कौन हम से 10-20 हजार चक्कर से 2 लक्ष भी जीव से कौन से जो जिनस विषय आम जानू से जिनस जमा आखि बुझिका आमको इनभेस्टमेंट करार कथा ना जी गाइडेंस गोटे मिल पार ताले बहुत भल कि जमा एमती आखि बुझिके आम पैसा को बहुत जोर केमती बढ़ी जीव जमी हाई रिटर्न चिटफंड कौन है समस्त कौन कल लोभ देखा जो गोटे मंथली एत परसेंट पाइबे वर्षक एत परसेंट रिटर्न पाइबे पैसा डबल होमती कौन है सब पैसा जीव तो जिते जानतु जो मूलधनटा आपे थी से बहुत भल जी लोभ कराया चक्कर में इंटरेस्ट अधिक पाया चक्कर मूलधनटा ही पलैब ताने किसी हो पारे से सब आमको ये सब जिनस दूरे रहा पड़ो तापर कौन आजिकल यहाँ सब प्रॉब्लम हो जाए जो आम क्रेडिट कार्ड जो पेमेंटा को आम लेट कर क्रेडिट कार्ड पेमेंटा को भी कौन करवा ईएमआई कनवर्ट करदे तो बैंक तो सब कौन कैर फोन करके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट रू कहते जिते टाँग क्रेडिट कार्ड ट्रांजाक्शन कर बहुत कम इंटरेस्ट अच्छी आपको ईएमआई कनवर्ट करदेना एत गुड़ा पैसा कहीं देते से कौन हम आप जान ना क्रेडिट कार्ड में 30-35% इंटरेस्ट चार्ज हो तो मात्र 1000-2000 टाँग थी भी कौन हम गोटे बड़ अमाउंट इंटरेस्ट तेरे लगे से मन रखु क्रेडिट कार्ड टाक पूरा ठीक टाइम रे बिल पेमेंट करेंगे ना सेविंग्स अकाउंट सहित लिंक करके ऑटो पेमेंट कर दिंतु पैसा ऑटोमेटिक बैंक रू कटिज ना जमी क्रेड लेखा गोटे आप अच्छी से आप कौन करना क्रेडिट कार्ड को आड करके रखिले बारंबार से आपको ड्यू डेट नोटिफिकेशन दब तो आप ठीक टाइम कौन करेंगे क्रेडिट कार्ड बिल्टा पेमेंट करेंगे 12 नंबर टा गेट रिच क्विक से ही सब डेंजर जिनस जी जिते थर भाविले कौन गोटे करी पूरा क्विकली रिच हो सब प्रॉब्लम स्टार्ट सब जगह पैसा जो
ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁଯାକର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଗେଟ୍ ରିଚ୍ କ୍ୱିକ୍। କାରଣ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦେଖାଇବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଏଇ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ ଲୋଭ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ପଇସା ଯିବ। ଆମର ଧର ଦେଖିବା ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ପଇସା ଲସ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ଧର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 90% ଲୋକଙ୍କର ବି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା। ତ ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝିକି କରିବା କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଏମିତି ହିଁ ପଳେଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ଆମ ଧର କିଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ଆମେ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଣିକି କ'ଣ କରିବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଠୁ ଧର ଧାର ମାଗିକି ଆଣିବା ତାହେଲେ କେବଳ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଆଣିବା କଥା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଜରୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କାହାଠୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ଆମର ଆହୁରି ଆମର ଲସ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯେ ମୁଁ କେବେ କାହାଠୁ ଲୋନ୍ରେ ରହିବିନି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ କ'ଣ 14 ନମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିବେ କାହାଠୁ ପଇସାଟା ହେଲ୍ପ ଆଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିଟର୍ନ କରିବେନି। ତ ନିଜର ପ୍ରମିସ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବା ପଇସା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ସେ ପଇସାଟା ଫେରାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା କଥା ଆପଣ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଡେଟ୍ରେ ସେ ପଇସାଟା ଫେରାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବନି। ଛୋଟବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ଗପ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ବାଘ ଚିଲଉଥିଲା, ଲୋକ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକ କହିଲେ ହେ ସେ ମିଛୁଆଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବାଘ ବାଘ ଚିଲଉଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସସଧିକା ବାଘ ଆସିଗଲା, ସେ ବାଘ ବାଘ ଚିଲେଇଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ କେହି ଗଲେନି, ବାଘ ଖାଇଗଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କାହାଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛୁ, ଯଦି ପଇସାଟାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ନ ଫେରାଇବା ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସମୟ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ କେହି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେନି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅନେଷ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ରହିବା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ, 15 ନମ୍ବରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ଯେ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନନ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା। ତ ଗୋଟେ ତ ଆମେ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ତେବେ ତ ଅସୁବିଧା, ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନନ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଯେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ କିଣିବାର ଅଛି କି ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି, ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଦେବା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ କେହି ବି କହିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି, ଯେବେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିବ ସେବେ ହିଁ ସେ ପଇସାଟାକୁ ହାତ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଜମା ବି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 15ଟା ସେୟାର କରିଦେଲି ବଢ଼ିଆ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ମିଶିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା।